हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज किस वीडियो में आपसे शेयर कर रही हूँ फियर फेस मास्क के बारे में, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम कौन सा फेस मास्क यूज करें, कौन सा नहीं यूज करना पसंद करते। सो इस वीडियोस में हम आपको यही बताएंगे कि आपके फेस पर आपके हिसाब से कौन सा फेस मास्क आपको यूज करना चाहिए। बहुत ऐसे कमेंट्स मतलब हमसे पूछते हैं कि लोग कि क्या हमें फेस मास्क यूज करना चाहिए कि नहीं यूज करना चाहिए, कौन सा यूज करना चाहिए, हमारे लिए कौन सा बेस्ट है। तो गाइज, मैं आज आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, मेरे पास जो फियर्स का फेस वाश है वो दोनों अलग अलग वैरायटी में है एंड इसका कलर भी थोड़ा अलग है, आप देख रहे हैं। बाकी पैकिंग वगैरह तो सब एक ही जैसा बनाया है इन्होंने एंड ये 150 MRP की है। सो इन्होंने कंटेनर में ये साफ लिखा हुआ है कि एंड ये प्योर एंड जेंटल फेस वाश अल्ट्रा माइल्ड विथ प्योर ग्लिसरीन, और इन्होंने इसमें ये भी कहा है कि ऑल स्किन टाइप्स ये सब स्किन वाले यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ इन्होंने ये फेस वाश में ये दिया है फ्रेश रिन्यूअल फेस वाश अल्ट्रा माइल्ड। सो गाइस, ये नॉर्मल स्किन के लिए इन्होंने बनाया हुआ है। सो ये प्रोडक्ट जो है काफ़ी अच्छा खासा बनाया हुआ है। सो इसका नेटवेट जो है वो 60 ग्राम की पैकेज है और ये हिंदुस्तान यूनिलीवर से है, ये सब तो आप लोग को पता ही है, बट ये आपको कैसे यूज करना है वो नहीं बताऊंगी, बट ये आपको आपके फेस के हिसाब से कैसे यूज करना है। सो अगर आपको आपका स्किन नहीं समझ में आ रहा हो कि हमारा स्किन कौन सा है एंड ऑयली है, नॉर्मल है, ड्राई है, तो आप ये वाला यूज ज़रूर करिए, आपको ना समझ में। बट अगर हम लोग कहीं परचेस करते हैं या जैसे रिटेलर शॉप पर, जैसे कहीं अपने मार्केट, लोकल मार्केट में अगर हम लोग देखना चाहते हैं, तो वहाँ पर ये देखते हैं कि शॉप पर कि क्या हमें ये फेस वाश लगाना चाहिए, तो हम लोग इसकी इंक्वायरी रखते हैं, हम लोग बहुत सारे वीडियोस भी देख लेते हैं। तो गाइस, मैं यही कहना चाहूँगी, आपको अगर ना समझ में आ रहा है आपके फेस की क्वालिटी के बारे में, तो आप ये वाला फेस ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि ये फेस वाश जो है काफ़ी अच्छा भी है नॉर्मल स्किन के लिए एंड ड्राई स्किन, ऑयली स्किन सबके लिए परफेक्ट है। और ये वाले फेस वाश में मैं तो यही कहूँगी, ये नॉर्मल स्किन के लिए इन्होंने बनाया हुआ है। सो नॉर्मल स्किन वाले इसे यूज करें अगर आपको समझ में आता हो तो। और वैसे भी अगर हम लोग ये सोचते हैं कि हम कोई सा भी फेस वाश यूज कर लें, बट आप ये कहेंगे बाद में कि हम कौन सा फेस वाश यूज कर लिए हैं या हमारे फेस पर वो ग्लो नहीं है। बट गाइज, आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि हम कौन सा फेस वाश यूज किए हैं, ये आपको बाद में समझ में आता हो जब आप यूज कर चुके हैं। सो उसके बाद आपको क्या फ़ायदा होगा। सो ये आपके हिसाब से बहुत अच्छा है, पपाया फेस वाश है एंड बहुत सारे फ्रूट्स फेस वाश, बहुत सारे फेस वाश आते हैं। बट हम पियर्स की बात करें, पियर्स में वो क्वालिटी है, वो जैसे कि ग्लो है कि वो अलग चीज़ है। आप एक बार ट्राई करिएगा, आपको कोई फेस वाश ना सूट करो, ये पियर्स का ज़रूर ट्राई करिएगा। सो गाइस, वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय बाय।